ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई कि अगर कोई बोट है, ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, देखो 3 × 10, अगर बोट की वेलोसिटी, ऑब्वियसली बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्योंकि बताया नहीं गया, तो 3 + 4 z कैप, ये वाली चीज़, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वाटर इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस दिस, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो अगर यहाँ से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वो -3 i कैप और -4 j कैप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ऑब्वियसली एट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर अब तुम देखोगे तो बोट की वेलोसिटी कितनी है यार, 3 i कैप +4 j कैप, ठीक है ना, और ये माइनस साइन फार्मूले से, और -3 i कैप और -4 j कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो ये 3 3 मतलब ये आ जाएगा 6 i कैप, ठीक है, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज यहाँ से 8 j कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, 6 i कैप + 8 j कैप, मतलब बी ऑप्शन सही है। थैंक यू।